अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महरीन फ़ारूक है और मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर घुरकी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आजकल का जो मौसम है वो बहुत ज़ेरे बहस है, क्योंकि हम एक हीट वेव से गुज़र रहे हैं। लाहौर, पंजाब के बेशतर हिस्से जो हैं उसमें आजकल दर्जा हरारत जो है वो 46 से 48 तक हिट करने की पेशींगोई भी है और करेंटली भी इसी रेंज में चल रहा है। ये मौसम सेहत को बहुत तरीक़ों से असरअंदाज कर सकता है। अब उसमें जो गर्मी की शिद्दत है वो जिस्म को कैसे मुतासर करती है और उसमें होता क्या है, अलामात क्या होती हैं? अलामात ये होंगी कि अगर आप शदीद गर्मी में बहुत देर एक्सपोज्ड रहें या बाहर काम के लिए गए हुए हैं या आपका काम ही बाहर आउटडोर में है, तो उसमें शदीद गर्मी जिस्म को बुरी तरह मुतासर करके उसको सरदर्द, शदीद सरदर्द, जिस्म का थकावट और शदीद लिथार्जी के ऐसे जिस्म में जान ना रहना, पसीना जो है उसकी बेनतहा पसीना आने की वजह से नमकियात और पानी की जिस्म में कमी हो सकती है, पेशाब की मकदार कम हो सकती है, तेज़ बुखार चढ़ सकता है और उसके अलावा जो इसकी शिद्दत में हीट स्ट्रोक की अलामत हैं कि बंदा बेहोशी में भी जा सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस हीट वेव में, जो कि एक्सपेक्टेड है मई के एंड तक चलने में और वैसे आगे जून भी गर्मियों का ही महीना है, तो उसके लिए हम कुछ एहतियातें करें। हीट वेव में जो एहतियातें लाजमी हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा फोकस छोटे बच्चों पे, स्कूल गोइंग बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा उनको हमें इस गर्मी से बचाना है। बचना जवान लोगों को भी है, लेकिन उन लोगों में इन अलामात का और हीट वेव के या गर्मी की शिद्दत के असरात जल्दी होने का ख़दशा होता है। तो उसमें अहम ये है कि आप बाहर के काम जो है वो शाम के औकात में जो हो सकें वो करें, बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे, और जो लोग बाहर की जॉब, जिनकी जॉब्स ही आउटडोर हैं या बाहर रहना उनके लिए लाजमी है, उनको ये चाहिए कि वो छतरी का, हैट्स का, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, जिल्द पे सन ब्लॉक लगाएं, पानी की बॉटल और पानी की सप्लाई अपने पास रखें और वक्तन फवक्तन पानी पीते रहें। कोशिश करें कि और कुछ भी नहीं तो दरख्त का साया या कोई छतरी या हैट का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आप डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज ना हो। फिर दूसरी चीज़ ये अहम है कि जहाँ तक हो सके वेंटिलेशन या पंखा या हवा का इस्तेमाल ज़रूरी है, वो जिस तरह भी मुनासिब पॉसिबल हो। जो जगहें बहुत क्लोज्ड होती हैं, बंद कमरे और गर्म, वो भी आपको इससे ज़्यादा मुतासर करती हैं हीट वेव से। तो ऐसी खुली जगह हो, खिड़कियाँ खुली हों, वेंटिलेटेड जगह हो जहाँ आप बैठें। फिर आ जाती है खुराक। इस मौसम में हमें ख़ुराक पे भी कुछ तब्दीली या तवज्जो देनी चाहिए। उसमें यह है कि हमें बिल्कुल सादा खुराक खानी चाहिए, घर की साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। बाहर की चीज़ें इस गर्म मौसम में जो आउटडोर फूड मिलता है उसका भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता और उसमें ख़राबी और बीमारी के पैदा होने के बहुत खदशात होते हैं। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप साफ़ सुथरा बॉटल्ड पानी पिएं, घर में साफ़ सुथरी घर की बनी हुई खुराक इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस मौसम में जो असरात हीट वेव से हैं उसके अलावा टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ई और डायरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। उसमें एक वजह गर्मी है, दूसरी वजह है गर्मी की वजह से खुराक का टेम्परेचर और उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती, वो हम घर में ज़रूर कर सकते हैं। फल का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पानी की मकदार कम अज़ कम 3 लीटर रोज़ाना इस्तेमाल करें। जो हम चाय, कॉफ़ी जैसे मशरूबात इस्तेमाल करने के आदि हैं वो इस गर्मी के मौसम में कम से कम लें, और अगर आदत है तो जितनी चाय के कप पिएं उतने एक्स्ट्रा ग्लास पानी के पिएं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जिस्म से पानी को मज़ीद ज़ाया करती है। तो इस हीट वेव में हमें अपने आप को भी बचाना है इस गर्मी से और अपने प्यारों को भी। तो बच्चों को, बुज़ुर्गों को ख़ास तवज्जो दें, बाहर के काम वो करना अवॉइड करें, बच्चे गर्मी में बाहर ना खेलें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर बाहर जाना हो तो सर को ढांप कर जाएं और हो सके तो सर को जो है और बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखें और गीला भी कर लें, अगर बहुत गर्मी में आपकी कोई जॉब इस नौइयत की है। तो लेट्स होप कि इस हीट वेव से हमारी पूरी कौम खैर व आफियत से निकल जाए और किसी को भी इस गर्मी का कोई बुरा असर ना हो, और आप सब अपने आप को और अपने घर वालों को हीट वेव से महफूज रखें। थैंक यू।